अमरावती शहर के वेलकम पॉइंट के पास एक खेत में ले जाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता युवती अपने मां से नाराज होकर घर से बाहर निकल गई थी, जिसके बाद लिफ्ट देने के बहाने आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती शहर के विलास नगर में रहने वाली युवती का घटना वाली रात उसकी माँ से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्से में पीड़िता अपने घर से निकल गई। इसी दौरान वो अकेले ही शेगांव नाका तक पहुंच गई थी। तभी आरोपी मनोज डोंगरे ने लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और आगे निकला, लेकिन आरोपी पीड़िता को उसके घर नहीं बल्कि नंदगांव पेठ के राहट गांव की ओर गया, जिसके बाद उसने अपने कई और दोस्तों को फोन कर बुलाया, जहां से वो सभी एक कार में युवती को लेकर आगे के लिए निकले, जिसके बाद आरोपियों ने अमरावती शहर के वेलकम पॉइंट के पास एक खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपियों ने पीड़िता को बडनेरा परिसर में छोड़ वहां से भाग निकले, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह से पुलिस थाने पहुंची और आप बीती पुलिस को बताई। इस गंभीर मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज से सुराग की मदद से 5 आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में मनोज डोंगरे, अक्षय सरदार, अजय लोखंडे, मिलिंद दहाट और प्रीतम धड़ से शामिल हैं।